स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने समय नियोजन पाठ के कुछ भागों के बारे में पढ़ा और समझा, जिसमें समय के अभाव की शिकायत की चर्चा की गई और उसे दूर करने के उपायों को बताया गया। साथ ही यह भी समझाया गया कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है। उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए देखते हैं समर बहादुर सिंह जी क्या कहते हैं। बच्चों, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? सुख और समृद्धि। सुख और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने समय का विभाजन कर लें, अपने समय को सही तरीके से बांट लें। किसी विद्वान ने हमें सावधान करते हुए कहा है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, अर्थात सागर से उठने वाली जो लहर होती है वो किनारे पे आकर खड़ी होकर किसी का इंतजार नहीं करती। ठीक उसी तरह समय भी हमारी प्रतीक्षा नहीं करता, समय हमारा इंतजार नहीं करता, वो तो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, निरंतर चलता रहता है। हम रुक जाते हैं, हम अपने आलस्य के कारण रुक जाते हैं और उस समय के साथ जब आगे नहीं बढ़ पाते तो हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। हमें उस समय के साथ चलना है, उसके साथ आगे बढ़ना है, तब जाके हम जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, बड़ों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन बहुत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वो जीवन पर्यंत बनी रहती है। विद्यार्थी जीवन में ही अगर हम समय का विभाजन करके दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करते हैं तो सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में जो अच्छी आदतें पड़ जाती हैं वो भी जीवन भर साथ रहती हैं और जो बुरी आदतें लग जाती हैं वो भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। इसलिए वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय के पालन का बहुत ही अधिक महत्व है। बच्चों, स्कूल में तो हमें एक टाइम टेबल दिया जाता है, एक समय सारणी दी जाती है जिसके अनुसार हम अपनी कक्षाओं में कार्य करते हैं, विषय वाइज अपने कार्य करते हैं। लेकिन ये जो समय सारणी होती है, ये जो टाइम टेबल होता है वो हमारा 4-5 से 6 घंटे का होता है। बाकी के समय का भी हमें निश्चित तरीके से एक समय सारणी बनाकर उनके अनुसार जब हम दृढ़ता पूर्वक सतर्कता पूर्वक कार्यों को करते हैं तो देखते ये हैं कि हमारा कार्य बहुत ही आसान हो जाता है, साथ ही हम अपने कार्यों में और भी निपुण और भी योग्य बनते चले जाते हैं। ऐसा करने से छात्रों के जीवन में जो है वो बदलाव आता है, वो अपने परीक्षाओं में अच्छे अंकों को प्राप्त कर लेते हैं, साथ ही सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर मिलता है, साथ ही खेल कूद व्यायाम आदि के लिए भी उन्हें समय प्राप्त हो जाता है। समय तालिका बना के उस पर दृढ़ता और निष्ठा से पालन करने पर, निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें समय की अभाव की शिकायत नहीं करनी चाहिए, अपनी समय को एक निश्चित तरीके से बांट करके उस पर सतर्कता से कठोरता के साथ उस समय के अनुसार अपने कार्यों को करना चाहिए और जब हम अपने समय से कार्यों को करेंगे तो सफलता धीरे धीरे हमारी ओर, हम धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे और हमें जीवन में सफलता मिल जाएगी। ये पाठ हमें यही शिक्षा देती है। धन्यवाद।